सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपको भारत के उस सिक्योरिटी फोर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो 2400 घंटे भारत और पाकिस्तानी सीमाओं पर तैनात रहती है। हम बात कर रहे हैं भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कही जाने वाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF की। तो आज के एपिसोड में हम आपको BSF से जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे जिनको जानने के बाद आपका BSF के लिए सम्मान और भी बढ़ जाएगा। So without wasting any time, let's begin. BSF भारतीय सीमाओं की सुरक्षा करने वाली प्राइमरी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो भारत की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी CAPF के तहत आती है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद एक समय ऐसा था जब भारत में एक ऐसी सिक्योरिटी फोर्स की जरूरत महसूस की जाने लगी जो सीमाओं की सुरक्षा के लिए थल सेना यानी इंडियन आर्मी की तरह ही ट्रेंड हो और इसके साथ ही सीमा पार के अपराधों को रोकने के लिए पुलिस की तरह भी कार्य करे। और ऐसे में इन जरूरतों को ध्यान में रखकर 1 दिसंबर 1965 को KF रुस्तम के नेतृत्व में BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को स्थापित किया गया। BSF शांति काल के दौरान भारत के सीमा की रखवाली और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकने का काम करती है और यह गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्र सरकारी एजेंसी है। जिस तरह इंडियन आर्मी के प्रमुख को जनरल कहा जाता है, उसी तरह BSF के प्रमुख को महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कहा जाता है जो इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS का एक अधिकारी होता है। 1965 में BSF को सिर्फ 25 बटालियंस के साथ शुरू किया गया था और आज के समय में BSF में टोटल 186 बटालियंस हैं, जिनमें लगभग 2,57,363 एक्टिव फ्रंटलाइन पर्सनल्स हैं। वर्तमान समय में BSF दुनिया की सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है और ये भारत की एकमात्र ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसके पास खुद की एयर विंग, मरीन विंग, आर्टिलरी रेजिमेंट और कमांडो यूनिट्स मौजूद हैं। BSF को आधुनिक क्षमता से लैस करने और इसे मजबूत बनाने के लिए कई तरह की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की लगभग 6385.36 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करना इस सिक्योरिटी फोर्स की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस सिक्योरिटी फोर्स के बहादुर जवानों की वीरता और विशिष्ट सेवाओं के बल पर अब तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को एक महावीर चक्र, 11 वीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 12 शौर्य चक्र, 56 सेना मेडल, 1 परम विशिष्ट सेवा मेडल और 12 विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। और इसके साथ ही BSF को सिविल अवार्ड्स में 1 पद्म विभूषण, 2 पद्म भूषण, 7 पद्म श्री, 43 PM मेडल फॉर लाइफ सेविंग, 17 अर्जुन अवार्ड, 2 नेशनल एडवेंचर अवार्ड और 4 लाइफ सेविंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुलिस मेडल्स में वीरता के लिए BSF को 231 राष्ट्रपति पुलिस मेडल और 864 वीरता पुलिस मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। और इन सब के साथ ही यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशंस में BSF के 1650 अधिकारी और जवान अपना महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। BSF का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है और इनका मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। BSF के जवानों के लिए फील्ड पोस्टिंग या पीस पोस्टिंग में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि शांति काल में BSF के जवान सीमा क्षेत्रों के आसपास रहने वाले नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, तस्करी और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकते हैं, अंतर सीमा अपराध, अनाधिकृत तरीके से भारत की सीमा में प्रवेश तथा सीमा के पार जाने के प्रयत्नों को रोकते हैं और सीमा की रक्षा के साथ जरूरत पड़ने पर देश की आंतरिक सुरक्षा के मोर्चों पर भी तैनात रहते हैं। और जबकि वॉर टाइम यानी युद्ध काल में BSF के जवान कम खतरे वाले स्थान को अपने नियंत्रण में रखते हैं, देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करते हैं और इन सब के साथ रिफ्यूजीज के नियंत्रण में सहायता एवं घुसपैठों को रोकते हैं। BSF के जवान कई सारे ऑपरेशंस में अपनी वीरता का परिचय दे चुके हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। BSF ने बांग्लादेश को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इस सिक्योरिटी फोर्स ने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मन के सबसे प्रभावशाली इलाकों को ध्वस्त किया था और इसके साथ ही वे इंडियन आर्मी में शामिल होकर युद्ध में भी शामिल हुए थे। 26 जनवरी 2001 में गुजरात में आए भीषणकारी भूकंप में प्रभावित लोगों तक सबसे पहले पहुंचकर मदद करने वाले जवान BSF के ही थे। इसी तरह गुजरात के दंगों के दौरान भी BSF के जवानों ने प्रभावित इलाकों में जाकर शांति और भाईचारा कायम किया था। BSF ने ही संसद में हुए हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराया था।
और वर्तमान में BSF इंडियन आर्मी के जवानों के साथ मिलकर सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए तैनात है। BSF को भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है और इसके जवान साल के 365 दिन और 2400 घंटे सीमाओं पर तैनात रहते हैं और सीमा पर होने वाली हर घटना पर नजर रखते हैं। पिछले 50 वर्षों से लगातार सीमा पर चौकसी लगाए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है। वर्तमान में जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है, BSF के जवान अपना काम बखूबी निभाते हुए सीमा की सुरक्षा में लगे हुए हैं। आज हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं और चैन की नींद सो पाते हैं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि BSF और हमारे ग्रेट इंडियन आर्म फोर्सेस के जवान दिन रात जाग कर हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं और इन वीर जवानों के इस सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए हमें सदा इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।